फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। सुबह का ही टाइम हो रहा है अभी। देखिए उल्टा आप लोगों को दिख रहा होगा, 5:42 हो रहे हैं, मतलब क्योंकि कैमरे में रहता है ना उल्टा ही, अब शायद सीधा दिखेगा। 5:42 हो रखे हैं और 15 मई है आज, और ये मेरा वीडियो आज आप लोगों के पास आज ही जाएगा, आज ही शूट होगा पूरा, क्योंकि कल मैंने कोई भी वीडियो 14 तारीख में शूट नहीं किया था। कई बार ऐसा हो जाता है ना, मन ही नहीं हो पाता है शूट करने का, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। मैं अब 5:30 बजे उठी थी, तो बस ज्यादा कुछ नहीं, उठ करके थोड़ी देर ऐसा ही होता ना, बालकनी में इधर उधर टहली थी, थोड़ा ठंडा ठंडा सा लग रहा है। और दूसरे कल आंधी बारिश रात, मतलब इतनी आई थी रात, फिर बारिश 12 बजे के आसपास दोबारा से आई थी, तो बाहर का माहौल देख थोड़ा। और फिर ना उठने के बाद सीधा बाथरूम में जाती हूँ, क्योंकि मुंह धोना होता है, क्योंकि मुझे बिना मुंह धोए कुल्ला करे तो किचन में बिल्कुल भी एंट्री नहीं करती हूँ। अब किचन में आ चुकी हूँ, यहाँ पानी गर्म होने के लिए रख दिया है मैंने अपना, क्योंकि उठ करके तो बस वही गर्म पानी जरूर पीना चाहिए सभी को, और वही मैं करती हूँ, गर्म पानी पीती हूँ। उसके बाद में चाय बनाऊंगी, क्योंकि गर्म पानी है, कभी कभी तो सिंपल ही पी लेती हूँ, कभी इसमें थोड़ा हल ये रहता है ना, दालचीनी पाउडर वगैरह ऐसे डाल करके पीती हूँ। रोज नहीं पीती हूँ, लेकिन किसी किसी दिन पीती हूँ, आज सिंपल ही पीऊंगी। तो बस वही आज सोचा, सुबह का जो मेरा रूटीन है वही मैं आप लोगों के साथ में अच्छे से शेयर करूंगी, और नई रेसिपी 2-3 लेकर के आई हूँ मैं। प्लीज पूरा वॉच करना, पूरा अच्छे से देखना, क्योंकि छोटी छोटी क्लिप शूट करके उनको एड करती हूँ उनको, तो इसलिए अच्छा प्लीज आप पूरा देखा करिए। कहते हैं ना, किसी की वीडियो से हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही मिलता है, और कोई कमी अगर लगती हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपकी वीडियो में ये कमी है, या फिर इस तरीके से और किस टॉपिक पे बनाई जाए, वो भी सजेशन दे सकते हैं आप लोग। तो मैं पहले पानी पी लेती हूँ, फिर उसके बाद, हाँ, चाय का एक राज है वो मैं आप लोगों को जरूर शेयर करूंगी, और कई दिन से सोच रही थी जो नहीं कर पा रही थी, आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पहले मैं पानी पी लेती हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने दो भगोने आपको दिखा रही है, इसमें दोनों में एक्चुअली चाय का जो फर्क है वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने जो चाय ली थी यहाँ पे, मुझे पासों में मिली थी टाटा टी प्रीमियम जो आती है, उसमें कलर मिला हुआ आ रहा है। ये देखिए, इस भगोने में मैंने टाटा टी प्रीमियम डाली, इसमें मैंने दूसरी वाली चाय डाली है, आप देख रहे हो ये गिलास ही में, क्योंकि मेरे पास यहाँ शॉप है जो उस पर ये चाय मिली थी, या एक दूसरी अग्नि करके है जो मैंने अभी तक यूज नहीं करी थी, तो मैं छोटा ही पैकेट ला करके पहले यूज करूंगी। इस वाले भगोने में जो दिखा रही हूँ, ये चाय एकदम डालते ही रेड कलर छोड़ती है, और ये देखो धीरे धीरे पकेगी, इसका मतलब ये सही है। और ये वाली, और इसमें थोड़ा सा ना फोन में कलर कम ऐसा दिखाई दे रहा है, नॉर्मली में एकदम रेड कलर की चाय हो जाती है, और बाद में जब दूध डालो तो और अजीब सा ही कलर हो जाता है इस वाली चाय का। तो मैं आपको यही दिखा रही थी कि ये मेरे साथ में ही हुआ है प्रॉब्लम, मुझे ही कन्फ्यूजन हो रही है, या आप लोगों के साथ में भी किसी ने यूज के इस तरीके से किया है। ये देखिए, मैं इसको हिला करके पकाऊंगी, इसमें अभी धीरे धीरे, और दोनों को सेम टाइम मैंने भगोने को पानी चढ़ाया है और डाली है, लेकिन नहीं हो पाया। और मैं आपको डबिंग तो अभी कर रही हूँ, जो मेरे साथ में हादसा हुआ है आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। प्लीज मेरा पूरा वीडियो देखना, उसके बाद ही अपना कमेंट करना, तो क्योंकि वही होता है ना कि परेशानियां ये हो जाती, पूरी वीडियो बिना देखे कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ हमारी चाय बन के तैयार हो गई, आप देख रहे हैं, मैंने आधा ही रस लिया है, क्योंकि सुबह में ना चाय के साथ में मैं या तो एक बिस्किट या आधा रस लेती हूँ, खाली चाय नहीं पीती हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए, चाय पी लीजिए। अब चाय वगैरह पी के जो हादसा हो गया था, उसके बाद उभरने के बाद में मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ। किचन में मैं आज बना रही हूँ इसकी केले, कच्चे केले की सब्जी, तो आप देखिए मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बनाऊंगी, और अगर इस तरीके से आप लोग बनाओगे सच में बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। और कहते हैं ना कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे, एक बार मेरे कहने से जरूर बनाना, बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी, क्योंकि मैं तो खाने के बाद ही अभी डबिंग कर रही हूँ ये। तो आप लोग भी देखना प्लीज, इस तरीके से एक बार जरूर ट्राई करना, और कौन किस किस तरीके से बनाता है वो मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा केले की सब्जी एक्चुअली मेरे घर में बहुत ज्यादा नहीं बनती है, लेकिन कभी कभी जो बनाती हूँ तो फिर लगता है थोड़ा सा तो स्पेशल होनी चाहिए, कि भाई कभी कभी कोई चीज बनती है। तो फिर बस वही, यहाँ पे मैंने छील के केले को इस तरीके से गोल गोल काट लिया है, दो ही केले लिए हैं, आप देख रहे होंगे काफी मोटे केले थे, तो काफी हो जाएगी मेरे और ईशु की। वहां ऑयल गर्म हो गया था, उसके बाद में मैंने इसमें केले डाल दिए, और इनको कुछ मैंने नमक वगैरह नहीं लगाया, ऐसे ही सिंपल थोड़ी देर फ्राई करूंगी, क्योंकि फ्राई करने के बाद में थोड़े से करारे से केले, मतलब अच्छी सब्जी बनेगी, अगर हम ऐसे ही कच्चे डाल देते हैं तो उतनी अच्छी नहीं बन पाती। यहाँ सारे मेरे केले फ्राई हो गए थे, और जो एक्स्ट्रा ऑयल था कढ़ाई में मैंने उसको निकाल दिया है, बस सब्जी के हिसाब का ही मैंने उसमें रखा हुआ है। और उसमें मैंने डाला था जीरा, जीरे के बाद में मैंने ये, मतलब प्याज, एक तो बड़ी प्याज थी एक छोटी, इस तरीके से दो प्याज काटी लंबे उसमें, और इनको अच्छा सा गोल्डन होने तक फ्राई करूंगी। और उसके बाद में फिर इसमें मैंने डाला है जिंजर और गार्लिक का पेस्ट,
थोड़ा सा एक चम्मच, क्योंकि उससे थोड़ा सा टेस्ट टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। और उसके बाद में जो हमारे मसाले हैं मैं ऐड करूंगी। आप देख रहे होंगे मैं ज़्यादातर टमाटर डालने के बाद मसाले ऐड करती हूँ, लेकिन इस वाली सब्जी में पहले ही ऐड कर देती हूँ। तो उसमें हल्दी पाउडर, वो सब हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची या थोड़ी सी कलर वाली मिर्ची डाली है। प्लीज़ अगर पीछे आवाज़ आ रही हो तो माइंड मत करना, क्योंकि आज रूम में बैठ के डबिंग कर रही हूँ और बालकनी से नीचे यहाँ कुछ ना कुछ सब्जी वालों की, उनकी कुछ ना कुछ आवाज़ें आती जाती रहेंगी। और नमक डाल करके थोड़ी देर इनको मसाले को अच्छे से भून के उसके बाद में मैं इसमें टमाटर ऐड किए हैं, टमाटर ऐड कर दिए हैं इसमें मैंने। उसके बाद में फिर इसको थोड़ा से भून के और इसमें मैं ऐड करूंगी पानी। अभी पानी डालने के बाद में फिर इसको मैं ढक करके पकाऊंगी। यहाँ देखिए पानी ऐड कर रही हूँ। पानी पहले सोची थी एक गिलास ऐड करूंगी, मगर थोड़ा सा ज्यादा लग रहा था तो मैंने थोड़ा उसमें बचा लिया है। उसके बाद में इसको ढक करके तब तक पकाना है जब तक हमारा ये पानी अच्छे से मतलब बहुत गाढ़ा हमारा ये नहीं हो जाता, प्याज वगैरह टमाटर हमारे पक नहीं जाते। ये देखिए मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है हमारा। उसके बाद मैंने इस तरीके से लंबी लंबी ही प्याज काटनी, सॉरी हरी मिर्ची काटी थी, उनको भी थोड़ा ऐड कर दिया क्योंकि ऐसी मिर्ची अच्छी लगती हैं। उसके बाद में फिर मैं इसमें केले जो मैंने फ्राई करके रखे थे उनको डाल दूंगी और थोड़ी देर चला करके इनको, फिर उसके बाद में मैं इसमें एक गिलास पानी ऐड करूंगी दोबारा, क्योंकि हम केले भी हमें पकाने हैं। अगर नहीं पानी डालेंगे, किसी को सूखी अगर रखनी है तो कुछ देर ऐसे भी पका सकते हो कि मतलब सूखी सब्जी रखनी है, लेकिन मैंने थोड़ा पानी डाला था। ये देखिए पानी डालने के बाद में 5 मिनट मैंने पकाई थी, उसके बाद हमारी सब्जी बन के तैयार हो गई है। और यहाँ मैंने धनिया डाल दिया, देखिए कितनी टेस्टी बहुत अच्छी सब्जी बनी थी सच में, और बहुत अच्छा टेस्ट भी आया था। एक बार ऐसे जरूर ट्राई करना आप लोग। ये देखिए मैं दिखा रही थी केले अच्छे से गल गए हमारे, सब्जी बहुत अच्छे से बन चुकी है। उसके बाद में सब्जी वगैरह बनाने के बाद में फिर मेरा काम वही हो जाता है कि सुबह का झाड़ू वगैरह का, क्योंकि मैं किचन का नाश्ते वगैरह की तैयारियां करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने सोफे वगैरह के जो कवर थे वो सब सेट कर रही हूँ। और हाँ, कवर से याद आया, मुझे एक ने कमेंट बोला था कि आपके हमेशा ना सोफे पर वो एक ही जोड़ी कवर नजर आते हैं और कवर, तो मैं आपको बताऊं मेरे पास एक ही जोड़ी कवर है, दूसरे कवर नहीं है। भैया मैं अपने पास चार चार कवर नहीं रखती हूँ, देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगी। और दूसरी बात यह है कि मेरे पास जो पहले एक सोफा था तो उसके कई जोड़ी थे लेकिन वो इस पे नहीं सेट बैठ रहे थे, तो इसके मैंने एक ही सेट कवर के लिए हुए हैं। अब अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दीपावली पे ही लिए जाएंगे, उससे पहले मैं ले भी नहीं रही हूँ। यही वाले मैं धो लेती हूँ अपने और वही उसके बाद मैं डाल देती हूँ। तो आप लोगों को भैया बुरा अच्छा लग रहा है तो देखिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास दो जोड़ी कवर नहीं है। तो यहाँ मैं अच्छे से इनको झाड़ करके दोबारा सेट कर दूंगी। सब काम खत्म हो चुका है, यहाँ पे मेरा नहाने वगैरह का भी, पोछा झाड़ू पूजा वगैरह मतलब सब कंप्लीट करके फिर उसके बाद किचन में मैं अब नाश्ता बना रही हूँ यहाँ पर। तो यही है, क्योंकि केले की सब्जी तो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, उसके बाद में पूरी पराठे मतलब अच्छे लगते हैं, तो यहाँ मैं पराठा बना रही हूँ साथ में। और बस वही है कि पहले बनाने के बाद तो ईशु को दूंगी, उसके बाद में मैं खाऊंगी। यहाँ देखिए पराठा हमारा बन के तैयार हो गया, प्लेट भी लग गई है, तो आप लोग भी आ जाइए खाना खा लीजिए। ये प्लेट ईशु की लग के तैयार हो गई है, सब्जी बहुत अच्छी बनी थी, पराठे भी, और इसके साथ में दूध इसको मैंने दिया है। तो फ्रेंड आप, मैं आपसे करनी आज मुझे इम्पोर्टेंट बातें, क्योंकि आज मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ सुबह सुबह, और वो भी 6:30 बजे ही। सच में कहते ना कि कभी कभी ऐसा हादसा हो जाता है जो हमारी जिंदगी के वो आखिरी ही दिन है, और आज मेरा और मेरी फ्रेंड ने जो भाभी हमारा आखिरी दिन ही बन जाता सच में, ये इतना बड़ा हादसा हुआ। और आखिरी दिन तो बनता मेरी वीडियो का भी आखिरी दिन, मतलब जो जिंदगी का आखिरी दिन है तो मेरी वीडियो का भी आखिरी दिन हो जाता। एक्चुअली हुआ क्या था, जब मैंने सुबह आप लोगों से बातें करी थी किचन में, उसके बाद में फिर मैंने योगा किया, चाय बनाई, वो मैंने जैसे आपको वीडियो में बताया भी है, चाय वगैरह पी थी, तो टाइम ज्यादा नहीं हुआ था, 6:30 या 6:35 के आसपास ही हो रहे थे। कल यहाँ पे आंधी तूफान शाम के टाइम बहुत आया था और बारिश भी खूब अच्छे से हो गई, और सुबह के टाइम मतलब रात में भी एक बार मुझे लगा 2:30 बजे के आसपास भी बारिश हुई थी। तो सुबह के टाइम भाभी से ऐसी बात हुई तो उन्होंने बोला, ऐसे तो आप जिसका लॉकडाउन चल रहा है आप लोगों को पता है कोई कहीं नहीं जा रहा है, और मैं तो वैसे भी बिल्कुल भी नहीं जा रही हूँ, सब्जी वगैरह रस्सी से लेना ये सब पूरा अच्छे से कर रही हूँ। लेकिन हुआ क्या था, क्योंकि कुछ कुछ लोग हैं जो यहाँ पे हमारे यहाँ आसपास ना बाहर निकलने लगे हैं, कि जैसे सुबह के टाइम वॉक करके आ जाना, पार्क है बहुत बड़ा पार्क है, सिटी पार्क गाजीबाद जो गोविंदपुरम में रहते हैं उनको शायद पता है कि सिटी पार्क कितना बड़ा है, लेकिन हम लोग नहीं जा रहे थे कि भाई मास्क लगा करके भी नहीं रिस्क लेना है कोई नहीं। लेकिन आज ऐसा हुआ, भाभी कहने लगी कि चलो उधर साइड में नहीं, हम लोग जहाँ रहते हैं ना
उसके मतलब थोड़ा सा दूर जाके कॉलोनी बनी है कहीं, उसमें कुछ तो घर बन गए, कुछ थोड़ा खाली है। कहने लगी वहां पर रोड भी बनी हुई है, खाली एरिया है, चलो वहां पर ही हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और घूम करके आ जाएंगे, मास्क लगा के, उधर भीड़ भी नहीं होती है कुछ नहीं, और क्योंकि हवा चल रही है, मौसम बहुत अच्छा सा हो रहा है और घर घर में ही थोड़ा सा ऐसे ही हो गया है घुटन सी। फिर मैंने कि चलो, काफी देर तो हमारी बल्कि डिस्कस भी हुई इस बात पे, मैं सच बताऊं कि चले ना चले क्या करें, मैं कि चलो थोड़ी देर के लिए चल देते हैं, कोई नहीं। मैं और भाभी मास्क लगाए चले गए, हम लोगों ने अच्छे खासे वॉक करी, कोई नहीं। वॉक करके जब घर आ रहे थे तो वही उसी जगह पर ही क्या हुआ, जैसे हम लोग मतलब होता है ना, जो बारिश के सीजन में क्या है बहुत सारी प्रॉब्लमें हो जाती हैं। जैसे ही चल रहे थे तो पीछे देखा, जो लाइन थी 11,000 वाली लाइन, एकदम से तार टूटा और बट से नीचे, और जिस वक्त वो टूटा था ना तार बिजली का, हम लोग सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाया था कि हमारे जस्ट पीछे था, और एकदम बिजली का इतनी तेज आवाज हुई कि समझ ही नहीं आया। मैं और भाभी स्पीड से थोड़ी दूर भागे, और भाग करके तब हमने पीछे पलट के देखा कि उसी जगह पे जहां से हम निकल रहे थे वही वो टूटा, और दोनों ही हम बराबर में थे। अगर हम एक सेकंड की ही अगर देरी होती, हम दोनों के ऊपर गिरता और दोनों की लाइफ खत्म थी। अब एक चीज, दूसरी चीज ये थी, देखो कहते ना कि उस टाइम पर अगर कुछ हादसा होता है ना तो दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। दूसरी बेवकूफी कि जब वो हुआ, तार गिरा, थोड़ी दूर जाकर के खड़े होके उसको ये देख रहे हैं कि हुआ क्या, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। और दूसरी बात, क्योंकि बारिश जब हुई है तो सारी जमीन गीली वगैरह हो रखी थी, और जहां से हम निकल के आ रहे थे वहां पे रोड वगैरह वो पूरा गीला था, और जिसमें 11,000 की लाइन टूट के नीचे गिरी है, और उसमें लाइट भी आ रखी थी तो जमीन से अर्थ भी ले सकती थी हम वहां पे, और ज्यादा दूर हम लोग देख नहीं रहे थे क्योंकि हमें समझ ही नहीं आया। वो तो हमें बाद में याद आएगी इस तरीके से, ये भी तो हम वहां से तो बच गए, यहाँ से भी तो हमें पकड़ सकती है, क्योंकि 11,000 की जो लाइन होता है वो काफी पावरफुल लाइन होती है, और काफी दूर तक एरिया को अगर टूट के गिरती है तो एरिया को कवर कर देती है वो, और कोई इंसान ऐसा नहीं है जो आज तक बच पाया हो। हम जहाँ रहते हैं वहां पे सब जगह केबल वाले जो वायर आते हैं वही सब पड़े हुए, लेकिन वहां पे कॉलोनी अभी स्टार्टिंग नहीं है तो वहां पे बिना केबल वाले ही वायरिंग थी। बहुत ज्यादा परेशानी हुई, और मतलब कितना सच में ही डर गए थे, ऐसा लग रहा था कि कुछ सेकंड में लाइफ खत्म हो जाती। अब मैं और भाभी फिर चलते चलते वही सोच रहे, बात करते करते रास्ते में भी, कि पता अगर ऐसा कुछ हो जाता बच्चों का, कहते नहीं है कि जब कोई हादसा हमारे साथ होता है तो एक सेकंड में हमें पूरी लाइफ अपनी जो होती है हम उसमें दिमाग हमारा घूम जाता है, तो वही हम दोनों के साथ हुआ कि अगर दोनों को कुछ हो जाता तो दोनों के घर बेकार, बच्चे, मैं तो कह रही थी मगर इशू तो कहते ना माँ बाप दोनों ही अकेली रह जाती, और इसको तो पता था कि नहीं, ये सो रही थी, मैं इसको ना बता के गई क्योंकि घर से गई थी जिस टाइम पे, ऐसे लॉक लगा के ही चली गई थी, तो इसको पता भी नहीं है अगर ऐसा कुछ होता तो सोती सोती कोई पता चलता, इसको यही पता नहीं मेरी माँ उठ करके घूमने भी चली गई सच बताऊं, क्योंकि ये तो लेट सोती है, ऑनलाइन क्लास फिर एग्जाम वगैरह उनकी पढ़ाई तैयारी, अब मैं सुबह भाई लॉक लगाया था तो चली गई, मगर क्योंकि सो रही है घर में तो सब कुछ ऐसा दिक्कत है नहीं है कि भाई। तो ये हादसा मेरे साथ आज हुआ, और इतना बड़ा हादसा था सच में, बहुत ज्यादा कुछ देर के लिए तो सच में आपको बताऊं कि समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें, पैरों में भी ऐसा हो गया दोनों के जैसे जान सी नहीं निकल जाती, एकदम सुन्नपन सा ऐसा कि इतने बड़े। फिर उसके बाद कुछ देर बाद थोड़ी देर आगे को चले संभले, फिर भाभी ने भैया को कॉल की, क्योंकि वो भैया अलग थे, हम लोग तो दोनों ही घूम रहे थे, उन्होंने फिर बिजली विभाग को कॉल किया, तब उन लोगों ने वहां से लाइट कट करी, क्योंकि यही होता है ना कि वैसे तो लॉकडाउन है ज्यादा जनता नहीं जा रही, लेकिन सुबह के टाइम क्या होता है कितने लोग ऐसे होते हैं दूध लेने के लिए जा रहे होते हैं, क्योंकि सबसे मेन चीज होती है सुबह को दूध, और जहां हम लोग थे उससे थोड़ा दूर जा करके थोड़ा और मतलब दूर ही है एक गांव है, वहां पर से ज्यादातर लोगों ने भैंस का जो दूध है वो लगाया हुआ, तो सुबह के टाइम दूध वाले लोग बहुत जाते हैं दूध लेने के लिए, क्योंकि देखो लॉकडाउन में वैसे काम तो बंद है लेकिन अभी रोजमर्रा वाली जो जिंदगी है वो तो चली रही है भाई, राशन है, सब्जी, दूध, तो वही था कि अगर वायर के ऊपर किसी को ना पता चल पाए, पैर रख दिया जाए या कोई हादसा न हो जाए, तो बिजली विभाग को कॉल करी गई थी, फिर वहां से उन्होंने लाइट कट की है, उसके बाद अभी भी लाइट नहीं आ रही है, हमारे एरिया तक की लाइट को कट कर दिया गया क्योंकि इधर भी कहीं पे फॉल्ट हुआ था, इसीलिए आज मैं देख रहे होंगे मैं अभी रूम में ही शूट कर रही हूँ, क्योंकि हॉल में मेरे में उस हिसाब से लाइट सेट नहीं बैठ पाती है, और अभी ज्यादा टाइम नहीं हो रहा है, सुबह के 10 ही बज रहे हैं। आज मुझे बहुत कुछ था कि अपनी वीडियो में शूट कर पाऊंगी लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि आज मन ही नहीं हो पाया सच बताऊं मैं आपको, मैंने सब काम खत्म करके पूजा करी है, भगवान को कहते हैं ना शुक्रिया अदा करना जरूरी है कि आज हमारी इतनी बड़ी लाइफ में जो हादसा था वो टल गया है, पूजा वगैरह करिए, फिर मैंने कि चलो आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, क्योंकि वीडियो आज ही आप लोगों के पास जाएगी तो उसको भी कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, और आप लोगों के साथ भी ये बताना, क्योंकि कई बार कैसा होता है ना कि मौत के मुंह से हम वापस आते हैं, सच में ही आज ऐसा हुआ था हम दोनों के साथ,
और फिर वही हो जाता भाभी और मैं वही आकर के आ रहे थे, मतलब होते हैं ना बहुत सारी बातें दिमाग में आने लगती है। मैं कह रहा है आज तो सब ये बोलते हैं, अरे वो दो लेडीज घूमने जा रही थी बिजली ने पकड़ ली, मैं पता चले कल को पेपर की हेडलाइन हम दोनों होते कि दो लेडीज ऐसे जा रही थी। बहुत कुछ होता है सच में। और आज पता है यहाँ से ये पूरा सिर दर्द भी हो रखा है, वही बातें सोच सोच करके उल्टा सीधा तो दिमाग में आती ही है। तो आज हमारी साथ में ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। पता नहीं, कहते ना कि बड़े बूढ़े हमारे बोलते थे कि किसी का लिया दिया सामने आ जाता है, हमने कुछ अच्छे काम किए होंगे जो हमारे सामने आ करके ये सब हुआ। क्योंकि कुछ ही सेकंड, सिर्फ एक कदम का था, हम लोग जैसे चले थे एक कदम हमने आगे बढ़ाया, तुरंत ही पीछे तार गिरा था। सिर्फ वो एक कदम की ही दूरी थी वायर की और हमारे का, अगर कुछ सेकंड की हमारे कहीं पे थोड़ा बहुत हो जाता तो कोई मतलब ही नहीं था कि दोनों बच जाते, बिल्कुल भी नहीं। और फिर सच में बताऊं, मैं और भाभी हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, मार्केट जाना, सब्जी लेने जाना, घूमने जाना, सब जगह साथ जाते हैं। और ये मेरे अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारी सबको पता है कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जाते हैं हम। अगर मुझे कोई काम है तो भाभी जरूर मेरे साथ में होंगी, चाहे उनको नहीं होगा हॉस्पिटल का काम लेकिन जाती हैं, अगर उनको है तो मैं जाती हूँ। तो मैं आज भाभी को वही बोल रही थी, मैं सब लोग ये बोलते कि सारा दिन एक साथ रहती हैं तब मरी भी तो दोनों एक ही साथ में। अब आप सोच रहे हो मतलब हंसी तो आ गई है लेकिन अंदर से बहुत सच में ही। तो मैं भाभी को वही बोल रही थी, मैं क्या ऐसा भी हो जाता कि सब लोग ये बोलते कि देखो दोनों भी गई तो एक साथ में चली गई, लेकिन भगवान ना भैया, क्योंकि बच्चों के लिए अपनी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है हमारा रहना भी। तो बस यही आज लो आप लोगों के साथ शेयर मैंने अपनी लाइफ का वो करा है जो कितना भयानक वाला एक्सपीरियंस था। और अभी इशू को पता है बहुत टाइम बाद अब मैं जब आप लोगों के साथ में ये एडिटिंग वगैरह डबिंग जो भी करूंगी यहाँ एंड कर रही हूँ ना, अभी इसको पता है क्योंकि ये कुछ देर पहले ही उठी है। तो अभी इस सारी सुनी उसके बाद डिस्कस करेगी, फिर बोलेगी अच्छा पूरे टाइम तो गई नहीं आज घूमने के लिए। वह कुछ भी समझ लीजिए, कहते ना कि बुरा दिन आता है तो कह के नहीं आता है, वही वाली बात है हमारे साथ भी। तो बस लेकिन अगली बार से बहुत ध्यान रखेंगे भैया, तार वगैरह के नीचे अगर इस तरीके से आप लोग भी जा रहे हो तो गलती से कभी खड़े तो हम थे ही नहीं, खैर चल ही रहे थे। क्योंकि नॉर्मली जो गाड़ी वगैरह के जो हादसे होते हैं उनको हम सोच सकते हैं कि सामने से आ रही हम साइड में बच जाएं, लेकिन जो सर पे टूट गिर रहा उससे कैसे बच सकते हैं, नहीं बचा जाता, कोई मतलब ही नहीं था। तो मेरा तो यही था, मगर ऐसा ज्यादा तो कुछ मैं नहीं वीडियो में दिखा पाई, लेकिन जो भी दिखा पाई हूँ प्लीज सपोर्ट करना। क्योंकि यही होता है ना कि भाई लाइफ का हमारे का जो भी था, और आज सच बताऊं तो मैं बहुत कुछ सोची थी सुबह ही, आप लोगों को मैंने वीडियो में बताया भी है कि रेसिपी कई सारी शेयर करूंगी आपके साथ में, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि उस हिसाब से स्थिति और कहते हैं ना मन नहीं काम कर रहा था बिल्कुल भी, और सिर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो बस यही था आज का मेरा छोटा सा वीडियो जो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर किया है। आप प्लीज पूरा वीडियो देख करके ही कमेंट करके अच्छे से तब मुझे बताना, और आप सब लोगों का भी प्यार साथ में, कहते हैं ना बहुत सारे लोगों की दुआ और प्यार मेरे साथ था जो मैं अभी आप लोगों के बीच में हुई हूँ। तो बस वही बोलूंगी कि अब जो भी है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें आगे, जिससे कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आऊँ। तो रखती हूँ फ्रेंड, बाय बाय, क्योंकि ये वीडियो अभी थोड़ी देर में आप लोगों के पास पहुंचेगा मेरा।